भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने डीएमके नेता द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के मामले में इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों पर बड़ा हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या भारत की पहचान को बदनाम करना इंडी गठबंधन की फितरत बन गई है। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय आस्था, संस्कृति और संस्कार को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना उनका राजनीतिक एजेंडा है। रविशंकर प्रसाद ने डीएमके नेता ए राजा पर अपने भाषण में अपने आप को भगवान राम का शत्रु बताते हुए और भारत माता की जय नहीं बोलने की बात कहने का आरोप लगाते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस से यह सवाल पूछा कि इन्हें बताना चाहिए कि क्या ये अपना सहयोगी डीएमके नेता ए राजा के बयान से सहमत हैं। उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए, बाकी उनका मैटर सब ज्यूडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है मोदी जी पर, क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मींस वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन, इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन, फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता की जय। तमिलनाडु वॉन्ट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है विच इन माई कंसिडर्ड व्यू एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चनेबल जजमेंट, अपील पेंडिंग है आप जानते हैं उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में, और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो MP भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूक जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं, तो वहां जा करके तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए यह इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे?
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।